भोपाल में चलने वाली लाल बसें अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही हैं। बस संचालन करने वाली कंपनी BCLL के अधिकारी कर्मचारियों को भी जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर इन बसों की व्यवस्था नहीं सुधरी तो BCLL के डायरेक्टर मनोज राठौर ने कहा वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। भोपाल में चलने वाली लाल बसों से जनता, ट्रैफिक पुलिस और खुद इसके डायरेक्टर मनोज राठौर परेशान है। BCLL डायरेक्टर मनोज राठौर ने कहा अधिकारी और कर्मचारी अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। भोपाल की जनता की सुविधा के लिए बसें शुरू की गई थी, लेकिन इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के रवैये से भोपाल की जनता परेशान हो रही है। अकारण बसों का संचालन बंद कर देना, किसी भी रूट पर कहीं भी बस रोक देना, अचानक महिलाओं और विद्यार्थियों को दी गई महापौर पास की सुविधा को बंद कर देना, सड़कों पर बेतरतीब तरीके से बसों को कहीं भी रोक देना, ऐसे कई कारण हैं जिससे हर कोई परेशान है। BCCL के डायरेक्टर मनोज राठौर ने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए चलने वाली बसें परेशानी का कारण बन रही हैं। अगर BCCL प्रबंधन इस सब चीज़ों को ठीक नहीं करता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूँ। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं कॉरिडोर से आम जनता को नुकसान हो रहा था। उसमें जब हमारे जो वाहन उसमें निकलते थे, वाहन के अलावा जो अन्य लोग उसमें वाहन घुसड़ देते थे, वो चलाते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ज़्यादा होते, तो जनमानस मौत के आगोश में उसमें सो जाता था, काफ़ी नुकसान हो। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, ट्रैफिक में भी बहुत राहत मिलेगी। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, और हमारे BCLL डिपार्टमेंट का निरंतर हम प्रगति की ओर अग्रसर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे प्रायः देखने में ये आया कि हमारे जो ऑपरेटर हैं, और हम ऑपरेटर के माध्यम से इस BCLL डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको सहयोग परस्पर नहीं मिल पा रहा। निरंतर अधिकारियों से बात करने के बाद भी हमको उस पर बराबर रिजल्ट नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं हमारी जनता इससे बहुत परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अगर पास की व्यवस्था यहाँ पर चालू करी तो पास का लाभ भी जनता तक नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनका आपसी सामंजस्य नहीं। अलग अलग ऑपरेटर हैं, माँ वाले, चलो वाले, दुर्गम्मा, AP मोटर्स, इंक्यूबेट, ऐसे हमारे 4-5 ऑपरेटर हैं। उनके माध्यम उनका आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण जनता हमारी परेशान हो रही है, हमारे स्टूडेंट उसके परेशान हो रहे हैं। उनको पासों का लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक पास एक बस में चल रहा है, सभी बसों में नहीं चल रहा। उससे कहीं ना कहीं हमारी जनता को, हमारे स्टूडेंटों को उसमें नुकसान हो रहा है। मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हमारे अधिकारी और हमारे ऑपरेटर हमारी बात को सुने और निश्चित तौर पर जनता को इसका लाभ दे, क्योंकि बस सुविधाएं हमने लोगों को लाभ देने के लिए यहाँ पर चलाई थी, ना कि उनको इसका उनका नुकसान हो, इसलिए हमने नहीं चलाई थी। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि BCLL डिपार्टमेंट के हमारे जितने भी कर्मचारी हैं बहुत अनुभवी हैं, बहुत काफ़ी दिनों से इसमें काम कर रहे हैं। तो किसी भी अधिकारी को एक जगह रहने से कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी लेतलाई उसमें आती है। मेरा कहना है, सोचना ऐसा है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन होगा तो नए व्यक्ति, नई आगाज के साथ यहाँ पर होगा, तो निश्चित तौर पर BCLL डिपार्टमेंट हमारा अच्छा काम करेगा और सुधार के कार्य भी इसमें अंदर होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।